ये है Xiaomi का Note 11 Pro Plus। ये फोन बहुत पॉपुलर था, लेकिन हर सस्ते Xiaomi फोन की तरह इसमें दुनिया जहान के बग्स आने लग गए हैं, तो इसे रिकमेंड करना काफी मुश्किल हो गया। और दूसरा है Realme 10 Pro Plus, और ये तो अभी अभी आया है, पर इसमें आपको कर्व्ड स्क्रीन के साथ साथ पारिवारिक एप्स फ्री में मिलती हैं। अब देखो, फोन तो दोनों ही बुरे नहीं है, लेकिन क्योंकि सस्ते चाइनीज फोन्स के थोड़े टाइम में दौरे पड़ने लगते हैं, तो आपको फोन बदलना पड़ता है। और अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे वॉलेट की रक्षा करेंगे, तो अपडेट्स आपके फोन में सिर्फ उतना ही रोल प्ले करते हैं जितना आप और हम सोसाइटी में करते हैं, ना के बराबर। और इसी सारे स्ट्रगल के बीच में आता है मोटोरोला। इनके फोन्स कंपटीशन से अलग हैं, जिसकी वजह से बजट सेगमेंट में ये Xiaomi जैसे प्लेयर्स के लिए दिक्कत बने हुए हैं। तो आज यही देखेंगे कि मोटोरोला बाकी ब्रांड से क्या अलग कर रहा है और टॉप करने के लिए इन्हें क्या सुधारना है। तो पहली चीज, अगर आपने नोट किया हो तो मोटोरोला काफी कोशिश करता है कि इन्हें फ्री की मार्केटिंग मिले, क्योंकि इनको हर चीज ही सबसे पहले करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 53% स्मार्टफोन्स जो बिकते हैं वो ये देख के बिकते हैं कि फोन में चिपसेट कौन सा है। इसलिए आपने देखा होगा कि मोटोरोला इस चीज में काफी वोकल रहता है, और ये कोशिश भी करते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेसर के साथ आने वाला इनका फोन पहला हो। जैसे 8 Gen 1 पहली बार इनके मोटोरोला X30 में आया था, जैसे इनका मोटोरोला H30 वर्ल्ड का स्लिमेस्ट 5G फोन बना, और H30 अल्ट्रा में इन्होंने पहली बार सैमसंग का 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर भी यूज किया था। ऐसे ही H30 फ्यूजन में इन्होंने कर्व्ड स्क्रीन दी थी। और आपको याद है जब स्नैपड्रैगन 778G प्लस आया था, तब भी मोटोरोला ही था जिसने इंडिया में अपना फोन सबसे पहले लॉन्च किया था इस प्रोसेसर के साथ। और इंडियन मार्केट में इन सारी टैक्टिक्स से कंपनीज को फायदा होता है, क्योंकि नंबर्स है ना आपके पास, फर्स्ट ये वाला फोन, वो वाला फोन, कर्व्ड फोन, स्लिमेस्ट फोन, फलाना फोन, डिमका फोन, सब कुछ इन्हीं के पास है। अब आप खुद सोचो ना यार, अगर ये चीजें ना चल रही होती तो रियलमी अपने 10 प्रो प्लस में सस्ते में कर्व्ड स्क्रीन क्यों लेके आता? और वो लोग चीख चीख के बता रहे हैं प्रेजेंटेशन में कि भाई हमारे $15 मिलियन तो सिर्फ R&D पे खर्च हुए हैं। तो जब ब्रांड्स ऐसी चीजें हमें बताते हैं तो साइकोलॉजिकली ये चीजें काम भी करती है, और इसीलिए ये लोग इतने बड़े रिस्क लेते हैं। अब था तो देखो 8 Gen 1 भी फालतू ही, लेकिन हेडलाइन तो मिल गई ना कि सबसे पहला फोन किसका मोटोरोला का, तो सारा गेम नंबर्स पे ही आ जाता है। एंड एट द एंड एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। इसके बाद आती है स्पेसिफिकेशंस, जो कि बिल्कुल मायने नहीं रखती, लेकिन मोस्टली सेम प्राइस के फोन्स में हार्डवेयर काफी सेम होता है, पर अगर आप एक चीज भी एडवांस कर देते हो तो वो फैक्टर बन जाएगा उस पर्टिकुलर फोन की सक्सेस में। जैसे फॉर एग्जांपल, 5G का बहुत ज्यादा बूम है, पहले ऑनलाइन में आया और अब ऑफलाइन में भी लोग 5G फोन्स के बारे में पूछते हैं। अब कुछ नामी ब्रांड्स ने 5G के नाम पे बहुत लोगों को चूना लगाया है। हेलो OnePlus, उन्होंने 5G के एक दो बैंड्स डाले थे ताकि वो अपने फोन को सिर्फ नाम का 5G फोन कह सके। और स्टार्टिंग में जब 5G फोन आना शुरू हुए थे तो हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि 5G बैंड्स नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन हम बेवकूफ थे ये नहीं। मोटोरोला शुरू से ही थोड़ा अलग चल रहा था, जैसे कि इनके इंडिया डिवीजन के किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव ने भी बताया था कि हम अपने फोन्स में सारे नेसेसरी 5G बैंड शुरू से ही देते हैं। और जनरली कंपनीज क्या करती हैं, अगर सस्ते में 5G फोन्स बनाती है तो उसमें बाकी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर देती है। अब ये किया इन्होंने भी है, लेकिन बाकी लोग ना 5G सही से देते हैं और ना बाकी का हार्डवेयर सही से देते हैं, तो अंत में हमारा फोन ना घर का रहेगा ना घाट का। ये लोग एटलीस्ट प्रॉपरली 5G तो दे रहे थे, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब स्पेसिफिकेशंस में सिर्फ 5G थोड़ी ना आता है, इनके G72 जैसे फोन्स का एक बहुत ही हाईलाइटिंग फीचर जो रहा है वो है इनकी 10-bit डिस्प्ले। सारे ब्रांड्स 8-bit यूज करते हैं, लेकिन ये लोग कुछ फोन्स में 10-bit यूज करने लगे, एंड इससे डिस्प्ले कलर्स पे काफी बड़ा फर्क पड़ जाता है। और थ्योरी में ही नहीं, प्रैक्टिकली भी मोटो के 10-bit वाले पैनल्स काफी सही दिखते हैं। एंड जब ये P-OLED जैसे टेक को अंडर 15,000 मोटो G52 जैसे फोन्स में लेके आते हैं, तो डेफिनेटली वो फोन अपनी एक अलग से छाप छोड़ेगा। अब नंबर्स के गेम में जीतने के लिए इंडिया में ब्रांड्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ फोन्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सिंपल है, जितना आप चर्चा में रहोगे लोग उतना आप पे खर्चा करेंगे। और हमेशा से इस चीज से एक ही प्रॉब्लम उठती है कि कंपनीज के फोन्स खुद के साथ ही कंपीट करने लगते हैं। 15,000 के नीचे ये चीज रियलमी के साथ बहुत ज्यादा होती थी, जैसे कि इनका नार्जो 35G और Realme 8 5G, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर फोन्स हैं। फिर Realme 8 में भी दो वेरिएंट्स हैं, एक 4G वाला आया और एक 5G वाला आया। इन सारी चीजों की वजह से एक कस्टमर का कंफ्यूजन तो डेफिनेटली बढ़ता है। एंड इस रेस में मोटोरोला भी किसी से कम नहीं है, 20,000 से नीचे इनके 12 फोन्स हैं मार्केट में, और उन सब में भी भयंकर कंफ्यूजन है। आप देखने जाओगे तो समझ ही नहीं आएगा कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है। लेकिन इसमें मोटोरोला के लिए एक पॉजिटिव पॉइंटर ये है कि अभी जो ब्रांड्स हैं वो 15,000 से नीचे के मार्केट पे फोकस कम कर रहे हैं। जैसे एक साल पहले तक 15,000 के मार्केट को काफी कंपेटिटिव माना जाता था, वैसा अभी तो नहीं है। अब ये चीज पुश होकर 20-25,000 तक पहुंच गई है, तो अब 15,000 से नीचे मार्केट ऑनलाइन में कम है,
तो जब मार्केट कम है तो ब्रांड्स ने भी इस सेगमेंट पे ध्यान देना कम कर दिया है। लेकिन इंडिया में तो आज भी फोन सस्ते वाले बिकते हैं, तो जब बाकी ब्रांड्स इस सेगमेंट पे फोकस नहीं करेंगे तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और ऐसे में मोटोरोला ने जब 15,000 से नीचे G52 जैसे बेहतरीन फोन्स निकाले हैं तो वो फोन्स लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आए हैं। इस रेंज पे मिलने वाले Xiaomi Realme के फोन्स कुछ टाइम पहले तक बहुत वैल्यू फॉर मनी हुआ करते थे, लेकिन अब तो उनमें भी क्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ इनकी सिंपल सी स्ट्रेटजी चल गई कि इस 15,000 से नीचे की ऑडियंस पे कोई भी प्रिसाइजली ध्यान नहीं दे रहा, तो हम इनको टारगेट कर लेते हैं। और क्योंकि इंडिया में सस्ते फोन्स बिकते हैं तो डेफिनेटली ये मूव इनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव साबित हुई है। एंड जब आप इस स्ट्रेटजी को इनके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ मिला देते हो तो ये बनेगा इनका हुकुम का इक्का। मोटो के फोन्स उस कैटेगरी में आते हैं जिनका यूआई अभी तक क्लीन है, नहीं तो जब आप स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन्स यूज करते हो तो वो चलते तो डेफिनेटली अच्छे हैं, लेकिन उनमें फीचर्स की कमी होती है, इसीलिए जनरली इनके यूआई में ब्लोटवेयर वगैरह नहीं होते। एंड इस सबके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट से अपने यूजर्स के फोन को डेड नहीं करते। अब बाकी ब्रांड्स के लिए तो फोन डेड करना बिल्कुल दाल रोटी के हिसाब का हो गया है, लेकिन ये लोग इस चीज पे ध्यान रखते हैं तो लोगों का इन पे ट्रस्ट बढ़ा है। एंड इवन अगर आप वैल्यू फॉर मनी की लिस्ट में भी देखोगे तो लोगों ने आईक्यू और वन प्लस के बाद मोटोरोला को चूज किया। अब फोर्थ पे लोगों ने एप्पल को वैल्यू फॉर मनी में कैसे चुन लिया पता नहीं, पर जो है सो है। लेकिन इन तारीफों के पुल के बीच में गम का सागर भी है। फर्जी मुशायरा बाय मिस्टर टेकपीडिया, सॉरी। सॉफ्टवेयर इनका बिल्कुल टॉप क्लास है, लेकिन उससे रिलेटेड इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स की। और जैसा मैंने बताया, क्वालिटी ऑफ अपडेट्स प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिटी ऑफ अपडेट्स प्रॉब्लम है। इस मामले में ये लोग बहुत पीछे हैं, और इस चीज को भी आप दो तरीके से देख सकते हो। पहला तो अपडेट्स बहुत लेट आते हैं, जो कि वैसे तो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, ब्रांड को टाइमली अपडेट्स पुश करने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब बाकी ब्रांड्स अपडेट पुश करते हैं तो किसी का फोन डेड हो जाता है, किसी की डिस्प्ले में लाइनें आने लग जाती हैं, किसी का कैमरा बंद हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप बड़ा टॉक्सिक है। और देखो यार, एंड्रॉइड में अपडेट से इश्यूज तो आते ही रहते हैं, इस चीज को रोकना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन इनके अपडेट्स की क्वालिटी बाकियों से बेहतर है। क्योंकि अब चाहे अपडेट्स लेट आते हैं, लेकिन वो आपके फोन को डेड नहीं करते। अब ब्रांड्स अगर टाइमली सही से अपडेट्स दे रहे होते तो इनके लिए ये डेफिनेटली बहुत ही नेगेटिव पॉइंट बनता, लेकिन क्योंकि बाकियों का हाल तो बहुत ही खराब है, इसलिए इनके लिए एक एडवांटेज है। अब इस चीज में इनकी एक कमी ये भी रही है कि ये अपने बजट फोन्स को सिर्फ एक मेजर एंड्रॉइड अपडेट देते हैं, और अपने फ्लैगशिप्स तक को सिर्फ ये दो अपडेट्स में निपटा रहे हैं। ये तो आपकी एक्स के एफर्ट से भी कम है, तो ये चीज तो डेफिनेटली है जिसमें मोटोरोला को सुधार करने की भयंकर जरूरत है। लेकिन आपने सोचा है कि इतना सब कुछ सही करने के बाद भी इनको मार्केट शेयर नहीं मिल रहा? उसके पीछे रीजन कुछ ऐसा है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फोन में है स्नैपड्रैगन 695, दूसरे में भी 695 है, एक में है 90 हर्ट्ज एमोलेड, दूसरे में भी सेम है, एक में है 108 मेगापिक्सल का कैमरा और दूसरे में भी सेम है, लेकिन एक मिल रहा है 17,000 का, एक मिल रहा है 19 का। तो काफी सारे लोग 17 वाले को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो 17 का है, और हमारे जैसे इंट्रोवर्ट नर्ड्स को छोड़ के ये कोई नहीं देखेगा कि 17,000 वाले में MIUI लिखा है और 19,000 वाले में MIUX लिखा है, इसलिए वो महंगा है। कुछ कंपनीज अपने फोन्स का प्राइस कम कर पाती हैं क्योंकि उनके पास ब्लोटवेयर्स होते हैं, तो फोन की जो कुछ कॉस्ट होती है वो उन ब्लोटवेयर वाली कंपनी से ली जाती है, लेकिन मोटोरोला ऐसा कुछ करता नहीं है। इवन अगर समहाउ मोटोरोला में ब्लोटवेयर होते भी हैं तो पहले तो बहुत ही कम होते हैं, और अगर होंगे तो फालतू नहीं होंगे। ऐसे स्नैपचैट और अमेजोन प्राइम जैसी एप्स तो काम आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ रियलमी 10 Pro Plus, चलो छोड़ो, अब सबने इनकी बहुत ले ली है, हम छोड़ देते हैं। तो अल्टीमेटली पोटेंशियल तो बहुत सारा है, अगर ये लोग अपनी इक्का दुक्का प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लें तो ये बड़े चाइनीज प्लेयर्स को बीट कर पाएंगे। बट दैट्स द स्टोरी फॉर अनदर डे। फॉर टुडे दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।